दोस्तों, पावर ग्रिड कंपनी में निकले विभिन्न पदों पर भर्ती के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या रहेगी क्वालिफिकेशन, चयन किस कैसे होगा, आवेदन कैसे करें, नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, ये आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। उन सभी का आज हम आंसर देने वाले हैं। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा और पावर ग्रिड कंपनी में निकले विभिन्न पदों की भर्ती के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं हम नोटिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले आपको चले जाना है, इस पर सर्च करना है गो न्यूज 24। ठीक है, हम हर एक नोटिफिकेशन के आधार पर इसमें जो है वो बनाते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर आप हमारे चैनल साइट पर आकर इसे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरे आपको A to Z सही जानकारी मिलेगी। इसमें कोई आपको अलग से लिख कर नहीं देते हम, पूरा नोटिफिकेशन आपको इसमें सेम नोटिफिकेशन में भी देखने को मिल जाएगा। पावर ग्रिडर कंपनी ऑफ लिमिटेड PGIL की ओर से ऑफिसर ट्रेनी के विभिन्न पदों पर भर्ती की निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑफिसर ट्रेनी सहित अन्य पद यहाँ पर अगर हम देखें तो आवेदन प्रारंभ की तारीख 4/12/2024 से लेकर 24/12/2024 तक इसके ऑनलाइन आवेदन जो है वो चलेंगे। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो आप अगर ST SC कैटेगरी के हैं तो आपके लिए निःशुल्क आवेदन है। जनरल OBC EWS के लिए ₹500 आवेदन शुल्क जो है वो रखा गया है। कुल पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर हमें पद देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल पद की तो यहाँ पर 73 पद यानी 73 पद देखने को आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से कितने पद हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग के 14 पद देखने को मिल जाएंगे, सोशल मैनेजमेंट के 15 पद देखने को मिल जाएंगे, HR के 35 पद देखने को मिल जाएंगे, HR के 2 पद देखने को मिल जाएंगे, PR के 7 पद देखने को मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर अपडेट करते रहें। अधिकतम आयु सीमा की अगर हम बात करें तो अधिकतम आयु 28 साल होनी चाहिए और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियम अनुसार यहाँ पर छूट जो है वो दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो UGC NET December 2024 एग्जाम का वैलिड स्कोर कार्ड आपके पास जो है वो होना चाहिए। संबंधित क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर कम्युनिकेशन में डिग्री, डिप्लोमा आपका किया होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो आपके पद पोस्ट के अनुसार अलग अलग डॉक्यूमेंट में आपको शैक्षणिक योग्यता रहनी चाहिए, जो कि जरूरी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। सैलरी की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपको 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी पोस्ट वाइज। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें दोस्तों, UGC NET December 2024 में पेपर के बेसिक पर मार्क्स दिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ग्रुप डिस्कशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, प्री क्लाम्पेड मेडिकल एग्जाम होगा। उसके बाद अगर आप इसमें ऑनलाइन अपडेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका जो है वो PDF रीड कर लेनी, PDF अच्छी तरह से पढ़ लेनी ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, ये रही आपकी PDF। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें ऑफिशियल वेबसाइट तो आपको इस पर क्लिक कर देना, आप पावर ग्रिडर की ऑफिशियल वेबसाइट पर एंटर हो जाओगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो आवेदन किस प्रकार से करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट www.powergrid.in पर जैसे ही आप एंटर करोगे होम पेज पर जॉब अपॉर्चुनिटी टैब पर क्लिक कर देना। ओपन सेक्शन में भर्ती विज्ञापन की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फॉर्म भर देना, जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, फॉर्म की फीस को भर देना है। उसके बाद फॉर्म को फाइनल सबमिट करके इसका प्रिंटआउट निकाल कर रख लेना है आगामी सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आप पावर ग्रिड कंपनी में आवेदन करना चाहते हैं तो जरूर से कर दीजिए। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि हम डेली यहाँ पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पंचायत सचिव के 2 नए जिलों में ये भर्ती निकले दिव्यांगजन की, ठीक है। मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी की रिक्त सूची आप चेक कर सकते हैं। सामाजिक न्याय विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती निकली, हाईकोर्ट में भर्ती निकली है, उसके बाद कार्यालय कलेक्टर में भर्ती निकली, बीज निगम में भर्ती निकली। तो आप इसमें अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो जरूर से कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।